तो हमने अपने लास्ट सेशन में यहाँ तक कर लिया था, मटेरियल्स असाइन कर रहे थे। काउंटर टॉप के ऊपर हमने मटेरियल दे दिया था स्टोन का ब्लैक, और इन पे भी हमने अपना ब्लैक मटेरियल दे दिया था। अब हमें क्या करना है, इनके जितने पार्टीशंस आ रहे हैं वो पार्टीशन को हमें सेपरेट दिखाना होगा। तो पार्टीशंस के लिए हमें ग्रूविंग करनी होगी, और उन ग्रूव पे हमें डार्क थीम, इससे भी ज़्यादा डार्क मटेरियल अप्लाई करना होगा, ठीक है। सो अब ऐसा करने के लिए एलिमेंट इसके किस तरीके से बनाएंगे, आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने इसका एक तैयार किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हमें बाकी के भी क्रिएट करने हैं, तो क्रिएट करने के लिए मैंने इस पर डबल क्लिक किया। डबल क्लिक करने के बाद हमने चारों तरफ से गैपिंग ली 20 mm का, और 20 mm का गैप लेने के बाद यहाँ पे पहले से 10 mm का गैप, यहाँ 20 mm का गैप यहाँ पहले से ही आ रहा है, तो मैंने इसको इस पर ही अटैच कर दिया, यहीं पे अटैच कर दिया हमने। अब इसके अंदर शेल्स आएंगे, तो शेल्स के लिए मैंने यहाँ से इसी के लेवल रेफरेंस के ही रख रहे हैं हम, या हम फ्रंट में पूरा एक ही सिंगल पैनल ही लेते हैं, इसके अंदर पार्टीशन दे देंगे। तो इसको मैंने पुशपुल कर दिया टी प्रेस करके बैक तक, ओके। इस सरफेस को हमने कॉपी कर लिया कंट्रोल सी, या पुश करने से पहले मैंने सरफेस को सिलेक्ट किया कंट्रोल सी कर लिया कॉपी, इसको पीछे तक पुश कर दिया, एस्केप कर दिया। इसके अंदर शेल्स हमें देने हैं, तो हम यहाँ पे शेल्स ऐड कर देते हैं। ऐड करने के लिए मैंने सरफेस को सिलेक्ट किया कॉपी करके इसको यहाँ पे रखा, इसको मैंने कंपोनेंट क्रिएट किया, या मैंने अंडू किया, इसको कट किया मैंने कंट्रोल एक्स, एस्केप कर दिया, पेस्ट इन प्लेस किया, राइट क्लिक करके इसको मेक कंपोनेंट बनाया क्रिएट, डबल क्लिक किया, इसको थिकनेस दे दी 20 की, और आगे से इसको अंदर पुश कर दिया हमने 50 mm, ओके। एस्केप किया, अब इसको सेलेक्ट किया, इसको कॉपी किया हमने बॉटम से कॉपी करके ऊपर यहाँ पे रखा, एंड एक्स लिख के 5 लिख के एंटर कर दिया, टॉप वाले इसको डिलीट कर दिया हमने। तो इसके अंदर के शेल्फ तैयार हो गए इस तरीके से। अब मैंने इसको डबल क्लिक किया, वापस से पीछे वाले सरफेस को कॉपी किया, एस्केप किया, यहाँ पे गए पेस्टिंग प्लेस किया, राइट क्लिक किया, इसको ग्रुप में क्रिएट किया, मूव करके मैं इसको आगे लेके आया इसके रेफरेंस तक, इनको डबल क्लिक किया, इसको मैंने क्या किया वाई दबा के बाकी सबको हाइड किया। चारों तरफ से पहले मार्जिन गैप जो था उसको बढ़ाया हमने, इसको हमने बढ़ा लिया 10 mm बाहर की तरफ, बाहर की तरफ, इसको डबल क्लिक करके बीच वाले सरफेस को डिलीट कर दिया, इसको थिकनेस दे दी हमने 20 mm की, ठीक है। इसको मूव कर दिया हमने इसके लेवल तक, और इसको मैंने इसके लेवल तक अटैच कर दिया, यहाँ पे गैपिंग नहीं आ रही, तो डबल क्लिक किया मैंने 7.5 mm अंदर कर दिया, ठीक है ये आ गया, इनको डबल क्लिक किया, इसको पुश कर दिया इसके लेवल तक, अभी ठीक है, गैप बराबर हो गया। अब आप चाहो तो इसको ग्लास का भी कर सकते हो, ठीक है, ये आपकी टॉल यूनिट हो जाएगी। ग्लास के लिए करने के लिए आपको इसको क्या करना होगा, चारों तरफ से प्रोफाइल लगेगी हमारी, तो हमने इसको चारों तरफ से गैप ऑफसेट ले लिया 20 mm का स्टैंडर्ड, इस सरफेस को कॉपी कर लिया, इसको पुश पुल करके, सॉरी, इसको पुश पुल करके हटा दिया हमने बीच वाले सरफेस को, एस्केप कर दिया, जूम ऑल किया, हमने सरफेस को कॉपी कर लिया था, यहाँ पे गए पेस्ट इन प्लेस, राइट क्लिक, ग्रुप तैयार किया, वापस से डबल क्लिक किया, 5 mm की थिकनेस दे दी, एस्केप कर दिया, इसको मूव कर दिया हमने यहाँ से 15 mm,
अब यहाँ पे आप प्रोफाइल इसको कन्वर्ट कर सकते हो। प्रोफाइल करने के लिए आपको इसको इसमें हैंड ग्रूव देने होंगे हैंडल के, तो मैंने इसको सेलेक्ट किया, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं और मैंने इसको 15 पर बैक पर रख दिया। यहाँ से पुश कर दिया हमने इसको, तीन पुश कर दिया। ये वाली एज को कॉपी करके आगे रखा 5 mm और इसको 5 mm वापस से पुश कर दिया। तो ये ग्रूव आ गया हमारा इसको ओपन करने के लिए, जूम ऑल कर लिया हमने, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे में इसमें प्रोफाइल भी लग गई। अब यहाँ पे आप चाहो तो ग्लास मटेरियल दे सकते हो। ग्लास मटेरियल देने के लिए क्या करना है, कॉस्मोस से जाना है आपको सिंपल, यहाँ से मटेरियल टैब्स में जाना है, मटेरियल में ग्लास में जाएंगे आप। अब आपको प्लेन ग्लास चाहिए तो आप प्लेन ले सकते हो, स्मोकी ग्लास चाहिए तो आप स्मोकी ग्लास ले सकते हो, मैं स्मोकी ले रहा हूँ, ठीक है। मैंने ये वाले ग्लास को लोड कर लिया। अगर आपको टिंटेड ग्लास चाहिए तो आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे टिंटेड ग्लास भी आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, ब्राउन कलर के। तो आप चाहो तो वाला ले सकते हो, मैंने स्मोकी ग्लास ले लिया। वीरे पे गए, अब हमने यहाँ पे ग्लास सर्च किया, स्मोक ग्लास आ रहा है, मैंने इसके वाले ग्लास मटेरियल को पिक किया, इस पर साइन कर दिया। अंदर वाले मटेरियल पे नहीं आ रहा था तो मैंने उसके अंदर भी शिफ्ट दबा के साइन कर दिया। शिफ्ट दबा के साइन करेंगे तो सब पे ले लेता है, ठीक है। अब मैं इसके एक फ्रंट व्यू पे ले लेता हूँ, फ्रंट व्यू, यहाँ से मैंने अपना कैमरा सेटअप किया, तो इस कैमरा पे हम इसका व्यू चाहते हैं। और मैं इसके एनिमेशन पे जाके ऐड सीन ऐड कर देता हूँ। इतना करने के बाद हमने इसका इंटरेक्टिव चेक करना है, तो इंटरेक्टिव चेक करने के लिए आप सबसे पहले सेटिंग्स पे आएंगे। आपने अपना रेंडरिंग इंजन सेटअप करना है, आप CPU पे देना चाह रहे हैं, CUDA पे या RTX पे। RTX आपका वही यूज़ होगा जो आपका RTX GeForce एक्सपीरियंस को सपोर्ट करेगा, ठीक है। RTX हमने ऑन किया हुआ है, मेरे में ग्राफिक कार्ड पड़ा हुआ है तो मैंने इसको ऑन किया हुआ है। क्वालिटी आपने सेटअप कर लेनी है, ठीक है। नेक्स्ट मैं कैमरा पे जा रहा हूँ, कैमरा पे जाने के बाद यहाँ पे एक्सपोजर वैल्यू होती है, अगर आप इस एक्सपोजर वैल्यू को बढ़ाओगे तो आपके नाइट रेंडर निकालने में हेल्प करेगा वो, क्योंकि वो डल इफेक्ट देगा हमारा। मैं इसको एक्सपोजर वैल्यू को थोड़ा सा कम कर ले रहा हूँ, 13.75 रख दे रहा हूँ मैं, ठीक है। थोड़ा सा वाइटिश की तरफ ट्रेंड हो जाएगा हमारा ये, आप इसको बाद में भी चेंज कर सकते हो। देन मैं रेंडर आउटपुट पे गया, यहाँ से आपने अपना रेंडर रेजोल्यूशन सेटअप करना है, किस रेजोल्यूशन का चाह रहे हो आप, ठीक है। इतना करने के बाद मैंने इससे एक इंटरेक्टिव प्ले करके चेक किया कि किस तरीके से दिख रहा है वो। ठीक है, तो आप देख सकते हो ग्लास का हमें मिल गया मटेरियल। अब अंदर जब लाइट लगेगी तब इसका ग्लास का एक्चुअल में लुक हमें देखने को मिलेगा, ठीक है, उसके बिना नहीं देखने को मिलेगा। देखो ग्रूव देने से क्या हुआ, यहाँ पे आप देख सकते हो ये अंदर वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया, डल हो गया है ना। यही फायदा रहता है ग्रूव वगैरह देने का। तो अब यहाँ पे भी हमारे क्या होंगे, डिविजन आएंगे इनमें भी, तो इनमें भी हमें क्या असाइन करने हैं, ग्रूव ही असाइन करने हैं। तो उसके लिए स्टॉप करते हैं, इसको कट किया, यहाँ से भी कट किया। सबसे पहले यहाँ पे आ जाते हैं, इस पर डबल क्लिक किया, मैंने यहाँ से यहाँ तक की टोटल लेंथ चेक करी, 3700 mm दिखा रहा है ये टोटल, 12 फिट यानी कि। या तो आप इक्वल डिवीजन ले सकते हो, ठीक है। इक्वल डिवीजन लेने के लिए आप क्या करो, मैंने वाई दबा के सबको शो किया पहले, तो इसका ग्रूव आ रहा है, इसका भी ग्रूव आ रहा है, ठीक है। तो मैंने वाई प्रेस किया, बाकी सबको ऐड कर लिया और मैंने ऑफसेट टूल लिया यहाँ से,
चारों तरफ से ऑफसेट रह गया पहले 10 mm का, मुझे सारे बराबर रखने हैं तो मैंने पहले 10 mm का गैप ले लिया। अब इस एक को सेलेक्ट किया, रेड एक्सेस को मार्क किया, या पहले एक काम किया मैंने यहाँ पे एक एज को राइट क्लिक किया, यहाँ पे डिवाइड टूल पे गया, मैंने यहाँ से डिवाइड करके चेक किया कि कितने सेगमेंट की कितनी लेंथ आ रही है। आप देख सकते हो यहाँ पे दिखा रहा है 14 सेगमेंट है और एक हर एक सेगमेंट की लेंथ लगभग 256 आ रही है जो कि काफ़ी छोटी है। मैंने इसको बढ़ाया, अब ये 10 सेगमेंट है, एक सेगमेंट की लेंथ आपकी 358 है, ये चल सकता है। 9 सेगमेंट है, 9 सेगमेंट में 400 समथिंग है, 8 सेगमेंट है 447 है, ये भी ठीक है हमारा 447 अपने आप में काफ़ी हुआ, इससे ज़्यादा नहीं रखते हैं आप, 400 भी रख सकते हो चाहो तो 9 सेगमेंट के लिए, क्योंकि जितना बड़ा आप सेगमेंट दोगे ना उतना ही स्पेस वो खुलने में भी लेगा आपका, ठीक है, उतना ही वो बाहर खुलेगा, तो ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा। तो 8 या 9 सेगमेंट आप यहाँ से ले सकते हो, ठीक है, आप चाहो तो 8 सेगमेंट ले लो या आप चाहो तो 9 सेगमेंट ले लो, आपकी चॉइस है, ठीक है। तो मैं 9 के साथ जा रहा हूँ, तो 9 के साथ जाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने डिवाइड कमांड लगाया नहीं, मैंने एक एज को यहाँ से सेलेक्ट किया, रेड एक्सेस में लॉक किया, यहाँ पे इसके एंड पे रखा, डिवाइड बाय 9 लिख के एंटर कर दिया, तो ये 9 सेगमेंट में अपने आप ब्रेक हो गई होगी। अब आपने वापस से हर एक सर्फेस पे जाना है और 10 mm अगेन ऑफसेट कर देना है। डन। अब यहां से मैंने इरेज टूल लिया, मैंने अली एच को हटा देना है, ठीक है, आप चाहो तो रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम एक्सेस नहीं है, मैं बस हटा दूंगा, चल रहा हूँ। अच्छा, इन सरफेस को सेलेक्ट करके मैंने पहले कर लिया कॉपी सारे सरफेसेस को, कंट्रोल सी, कॉपी करने के बाद मैंने इसको पुश पुल अंदर कर दिया, ठीक है। देन यहाँ से गए, कॉपी किया था, पेस्ट इन प्लेस मारा, राइट क्लिक किया, मेक ग्रुप कर दिया, अगेन डबल क्लिक किया, वापस से ऑफसेट दिया बाहर की तरफ, बट अब के गैप मैंने दिया 7.5 का सभी पे बाहर की तरफ, वो हमने वुड का कारकास तैयार कर लिया, ये उसके ऊपर का कवर है। मैंने इनके अंदर फेस को डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, डबल क्लिक करके क्या होता है, फेस भी सेलेक्ट होता है, सराउंडिंग की एजेस भी सेलेक्ट हो जाती है। फेस को मैंने यहाँ से डीसेलेक्ट कर दिया, एज को डिलीट कर दिया, ये तैयार हो गया हमारा, पुश पुल पे गए, 20 mm की थिकनेस दे दी हमने इनको, बाहर की तरफ आएंगे सारे ये। मैंने इसके इनके बॉटम वालों को सभी को सेलेक्ट किया और इन सभी को 20 mm डाउन कर दिया ताकि हैंडल लेस रखेंगे, थोड़ा नीचे ड्रॉप होगा, हाथ से खुल जाएगा वो, एस्केप कर दिया। अब देखो कि गैप बाकी सब जगह तो सही आएगा लेकिन यहाँ पे गैप डबल हो जाएगा, तो इस एक को मैंने, क्योंकि 10 mm हमने लिया था तो मैंने 10 mm वापस से इन सबको सही कर दिया, तो देखिए इतना तैयार कर लिया हमने अपना। अच्छा, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैंने ग्लास को हाइड किया, ये मैंने कंपोनेंट बनाया था अगर आपको याद हो तो, कंपोनेंट क्यों बनाए थे मैंने, वो इसलिए ताकि मैं ये पीछे वाली एज को सेलेक्ट करूँगा, यहाँ से मैंने इसको गैप लिया 10 mm का, 20 mm का, इसको मैंने यहाँ से पुश पुल कर दिया अंदर 10 mm, मटेरियल लिया मैंने यहाँ से, इमेसिव मटेरियल नहीं है वो लिया हुआ है हमने, तो मटेरियल इमेसिव क्रिएट किया, मटेरियल पे गए, इमेसिव मटेरियल पे गए, एक्सपेंड किया,
कलर पे मैंने यहाँ से इसको यहाँ से नीचे से वैल्यू दे दी कैल्विन में 4500, और इंटेंसिटी मैंने यहाँ से बढ़ा दी इसकी, टू कर दी, 1.5 कर देते हैं, कट किया। और ये इमिसिव मटेरियल मैंने पिक करके इसके सरफेस पे असाइन कर दिया। अब मैं स्क्रीन वन पे आता हूँ वापस से और एक इंटरेक्टिव चेक करते हैं। ठीक है, आप देख सकते हो लाइट की बहुत ज़्यादा हमें इफेक्ट नहीं पता चल रहा। ठीक है, स्मोकी ग्लास है पहला, और दूसरा क्या है, लाइट की इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा कम है। मैं एक काम करता हूँ, सनलाइट बंद करता हूँ पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। इंटरेक्टिव ले गया हमने वापस से, तो आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पता चल रहा हमें। ग्लास स्मोकी है, एक ऊपर एक एज दिख रही है, बाकी ये रिफ्लेक्शन ही दिखा रहा है। मैं स्टॉप करता हूँ। मैंने एक काम किया, स्मोकी ग्लास ना लेके मैंने यहाँ से ग्लास ब्रॉन्ज क्लियर ले लिया, डिस्टॉर्टेड नहीं लिया। ठीक है, डिस्टॉर्टेड वाले को मैं डिलीट कर देता हूँ। ग्लास ब्रॉन्ज स्मोकी ग्लास को मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ। ब्रॉन्ज ग्लास लिया और इस ग्लास मटेरियल को के पास साइन कर दिया हमने, इसको कट किया, इंटरेक्टिव प्ले किया। अभी भी अंदर का मटेरियल हमें डल ही दिख रहा है, रिफ्लेक्शन ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, अंदर का मटेरियल नहीं दिख रहा। मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ से रेंडर रीजन ले रहा हूँ। रेंडर रीजन से क्या होगा, बाहर के एलिमेंट का रेंडर नहीं निकालेगा, सिर्फ इतने एरिया का ही रेंडर प्रोग्रेस हमें दिखाएगा, तो वो काम जल्दी करेगा, इफेक्ट जल्दी देगा हमें। ठीक है, अच्छा, पीछे जब ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सराउंडिंग की साइड बन जाएगी, तो रिफ्लेक्शन इसका सही आने लगेगा। खैर, मैंने इसको स्टॉप किया, कट किया। मैंने एक काम किया, सर्फेस को मैंने कॉपी किया, उसको ट्रिपल क्लिक किया, डिलीट किया और स्पेसिंग प्रेस कर दिया सर्फेस को हमने खाली। अब मैंने इंटरेक्टिव चेक किया, थोड़ी देर से इफेक्ट आ रहा है इसका। तो अंदर जो लाइट हमने लगाई है, पहली चीज तो उसकी इंटेंसिटी हमें बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, तभी वो उसके सही रिजल्ट दिखाएगा। दूसरा, हमें अलग से रेक्टेंगल लाइट लगानी पड़ेगी, तभी वो लाइट जो होगी ना पूरे जो बॉक्स है उसमें फैलती हुई हमें दिखेगी। तो मैं इसको स्टॉप करता हूँ, कट किया, मैं अंडू कर देता हूँ कंट्रोल गाइड। ठीक है, मैंने इसको हाइड किया, इनको डबल क्लिक किया, ये वाली एज को पकड़ के मैंने नीचे मूव कर दिया 5 mm। देन मैंने इससे मटेरियल लिया, अभी देंगे हम लाइट भी। मैंने इंटेंसिटी को बढ़ा दिया, कलर को मैं मैन्युअली चेंज कर देता हूँ यहाँ से।
इंटरेक्टिव प्ले किया। आप देख सकते हो जैसे मैंने इंटेंसिटी बढ़ाई अंदर की थोड़ी सी विजिबिलिटी आने लगी, ठीक है, बहुत ज़्यादा विजिबल नहीं हो रहा, बहुत इसकी विजिबिलिटी बढ़ाने के लिए हमें अंदर लाइट बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। तो मैं इसको रेंडर रीजन को बंद करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, मैं इसको कट किया। अच्छा अब इसमें एक काम और कर रहा हूँ मैं, मैंने इसके ऊपर डबल क्लिक किया, सेलेक्ट किया इसको और मैंने इस सरफेस को डबल क्लिक करके सेलेक्ट किया, पीछे वाले सरफेस को हटा दिया, खाली सराउंडिंग एजेस को सेलेक्ट किया, इसको कॉपी करके मैंने आगे रखा 350 पे और इसको वापस से कॉपी करके आगे रखा 25 पे और यहाँ से इसके ऊपर भी मैंने यही इमिसिव स्ट्रिप मटेरियल अप्लाई कर दिया। सबको अनहाइड किया, इंटरेक्टिव प्ले किया। ठीक है, अब एक्चुअल रेंडर में ही इफेक्ट दिखाता है वैसे तो, ठीक है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्ट थोड़ा सा विजिबल होने लगा और विजिबिलिटी इतनी ज्यादा कम इसलिए भी है क्योंकि अंदर मटेरियल जो है वो पूरा प्योर ब्लैक मटेरियल है इस वजह से। ठीक है, खैर अब इसमें विजिबिलिटी और बढ़ानी है हमें, तो हमने इसको बंद किया, ये हमने कंपोनेंट तैयार किए हुए हैं, राइट, तो मैंने इसको हाइड किया, इससे भी मैंने मैं इस पर डबल क्लिक किया और मैंने यहाँ से रेक्टेंगल लाइट ली। रेक्टेंगल लाइट लेने के बाद मैंने फर्स्ट पॉइंट यहाँ दिया, एक मिनट का, चलिए तो हमने यहाँ पे रेक्टेंगल लाइट ऐड कर दी। ठीक है, रेक्टेंगल लाइट का रोटेशन आप सेटअप कर सकते हो, यहाँ से मैंने 5 डिग्री डाउन कर दिया उसको, कितना नीचे तक लेके जाना है उसके लिए स्केल करके आप इसको बढ़ा या घटा सकते हैं। इसको मैंने यहाँ तक सेटअप कर दिया। अब रेक्टेंगल लाइट की प्रॉपर्टीज आप यहाँ से ऑप्शन पे जा सकते हैं, आपको इनविजिबल करना है, ठीक है, इनविजिबल करना है तो आप यहाँ से इनविजिबल को ऑन कर दिए, ठीक है, शेडो हटानी है शेडो को हटा दिए, इफेक्ट स्पेक्ट्रल डिफ्यूजन रिफ्लेक्शन जो चीज़ आपको हटानी है आप उसको यहाँ से हटा सकते हो। मैंने स्पेक्ट्रल बंद कर दिया, डिफ्यूजन को रहने दिया, इंटेंसिटी यहाँ से आप चेंज कर सकते हो एंड कलर भी बता सकते हो आप। मैंने इसको ऑफ वाइट किया, इंटेंसिटी अभी यही रहने देते हैं, हम कट किया हमने, और यहाँ पे इंटरेक्टिव प्ले किया। अभी ऊपर वाले एलिमेंट में रेक्टेंगल लाइट नहीं है, ऐड क्या आई होगी, ठीक है, तो हमें ऊपर वाले एलिमेंट में भी रेक्टेंगल लाइट ऐड करनी पड़ेगी। ठीक है, बाकी इसके अंदर ब्लैक थीम इसलिए दिख रही है क्योंकि अंदर का मटेरियल ही ब्लैक है, आप चाहो तो उसका मटेरियल व्हाइट या ये ब्राउन मटेरियल से भी कर सकते हो चेंज, ठीक है, तब वो आपको ज़्यादा विजिबिलिटी क्लियर दिखेगी। खैर इससे हम बाद में अभी काम करेंगे, रेक्टेंगल लाइट जो हमने पीछे लगाई यही लाइट हम आगे की तरफ भी रख सकते हैं जिससे कि पूरे में रोशनी बनी रहे, तो आप चाहो तो वो भी काम करके चेक कर सकते हो। मैं स्टॉप किया, कट किया, इसको हाइड कर दिया, इसको डबल क्लिक किया, इसको मूव करके मैंने यहाँ पे रख दिया,
हाँ देन स्केल करके हमने इसके साइज को बड़ा कर दिया। रोटेशन करके नीचे कर देता हूँ मैं, पिन वन पे जाते हैं। इंटरेक्टिव प्ले कर देते हैं। ठीक है लाइट्स का बाद में हम देखेंगे, अभी जब ऑब्जेक्ट रख लेंगे इसके अंदर। बाकी लगभग ऊपर का टॉप हमारा तैयार ही हो गया इसका। अभी इसके डिवीजन रह गए हमें, जैसे हमने ऊपर के करे थे सेम मैनर में इधर के करेंगे। अब सेम रिपीटेशन रखने के लिए साइजिंग को हम कोशिश करेंगे सेम लेके चले। ठीक है आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। बाहर वाले